तृतीय रोज की वेला व्यास पीठ पर उपस्थित होते ही आपकी बेटी भाइयों की बहन आकृति तहे दिल से भगवान के भक्तों का वंदन अभिनंदन करती है। राम राम, राधे राधे। बड़ी सौभाग्य हमारे आपके जो हर साल भगवान की पारायण कथा स्वर पान करने का अवसर प्राप्त होता है। प्यारे, सबसे बड़ा सत्कर्म यही है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हो जो गलत आहार करता हो, मीठ मदरा का सेवन करता हो, उस व्यक्ति का मन विपरीत चले, आध्यात्मिक की विपरीत चले या भगवान की विपरीत चले, अगर उस व्यक्ति को भी खींच करके इस पांडाल तक अगर ला करके बिठा दिया जाए प्यारे, तो भागवत जी कहती है उस व्यक्ति को जो लेकर आया है 1000 यज्ञ करने का फल एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। कहीं कुंटल लकड़ियों का यज्ञ करने का फल उसी समय एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। तो बड़ी कृपा है भगवान की। वैसे कहा तो यह है, तेनियम बांग मही मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे सेवनात श्रवणात पाठात दर्शनात पापनाशनी। ये जो भागवत जी है ना, व्यक्ति का इसे सुन करके अमल कर ले तो भी उद्धार है, केवल सुन ले तो भी उद्धार है। लेकिन यहां तक कहा है पाठात, बोले घर पर पाठ कर ले बैठ कर तो भी उद्धार है, बोले इतना करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो बाबा जी ने लिख दिया, बोले इतना भी ना कर सके तो कर ले दर्शनात पापनाशनी, कुछ नहीं सुबह उठ करके भागवत जी के दर्शन मात्र कर ले प्यारे, सुबह उठ करके प्रथम दर्शन भागवत जी के कर लो तो भी पाप नाशनी, बोले पापों को क्षीण कर देती है। करोगे सुबह उठकर दर्शन भागवत जी के? अच्छा आप करते हैं, खैर आप तो कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 12-13-14 साल से लगातार अनुष्ठान करा सकते हैं वो क्यों नहीं, मानती हूँ उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन आजकल सांसारिक व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक में रुचि नहीं रखता, जो विकारों में पड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ा इम्पॉसिबल, यानी बहुत असंभव है। क्योंकि प्यारे उन्हें तो आंख खुलते बस ये दिखेगा मोबाइल कहाँ है, हाँ लाओ लेटे लेटे तब तक कुछ चला ही है, है ना। ये साधक और सांसारिक व्यक्ति की पहचान है। सांसारिक व्यक्ति खकोरेगा क्या, लेटे ही लेटे मोबाइल कहाँ है, और आध्यात्मिक व्यक्ति सुबह उठ करके कराय अग्रे वस्ते लक्ष्मी, है ना, उसके बाद पृथ्वी माता चढ़ स्पर्श, उसके बाद प्रकृति को आभार, प्रकृति को धन्यवाद नित्य करेगा। एक वो गंगा है जिस पर हम और आप स्वयं चल करके स्नान करने जाते हैं परीक्षित महाराज, एक वो गंगा है जिस पर हम और आप चल करके स्वयं चल कर जाते हैं उसके पास स्नान करने के लिए। उस गंगा में स्नान करने से क्या होता है, लोगों का मानना है कि पाप छीण हो जाते हैं, लोगों का मानना है तन पवित्र। अच्छा मैं भी इस बात को मानती हूँ, लोग जो कहते हैं मैं भी मान रही हूँ, लेकिन प्यारे उस गंगा के पास हमें चल करके जाना पड़ता है स्नान करने के लिए। लोग कहते हैं कि उसमें स्नान करने से तन पवित्र हो जाता है, पापों का क्षीणन हो जाता है, मान लिया प्यारे, लेकिन मान लिया पापों का क्षीणन हो जाता है, लेकिन वो गंगा हमारे पाप करने की वृत्ति को आदत को खत्म नहीं कर पाती। कर पाती है क्या? नहीं कर पाती। लेकिन प्यारे उस गंगा को कौन लेकर आया था? भागीरथी जी। एक ये गंगा है जो प्यारे स्वयं चलकर के आपके यहाँ आई है, लेकिन फर्क इतना है उस गंगा में जाकर पापी स्नान कर लेगा, लेकिन इस गंगा में पापी की औकात, जब तक अपने आप को अधम स्वीकृत न करेगा ठाकुर के सामने,
तब तक उसकी औकात नहीं है जो इस गंगे में गंगा में डुबकी लगा ले। प्यारे वो गंगा जिसे भागीरथ लेकर आए एक ये गंगा जिसे यशपाल जी कलयुग के भागीरथ लेके आए। अच्छा एक बात बता दूं, एक कलयुग त्रेता द्वापर ये क्या है? ये धुआं निकल रहा है, बहुत आग निकली, बहुत चिलंगा। देखो देखो भाई, अच्छा कुछ नहीं है। आई आई यमराज।